कोरोना वायरस करके लगे लॉकडाउन की मार हर एक वर्ग चल रहा है। इस लॉकडाउन की मार टैक्सी ड्राइवर नूं भी चलनी पै रही है। गुरदासपुर विच एकत्र होए टैक्सी ड्राइवर ने सरकार तो मंग की है कि लॉकडाउन कारण उन्हां दा कारोबार पूरी तरह खत्म हो चुका है और रोटी खाना भी औखा होया पिया है। उन्हां नूं लगातार बैंकां वल्लों किस्तां लैण लई परेशान किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने पंजाब सरकार तो मंग की है कि उन्होंने टैक्स अते किस्तां विच छूट दित्ती जावे तां जो ओह भी अपने बच्चे पाल सकन। लॉकडाउन के बच्चे जी अपनी टैक्सी गड्डिया और टैक्सी गड्डी के ड्राइवर तो मालक सारे बहुत परेशान ने। घर चो राशन मुक्न के कगार से है। सरकार वालों कोई सहायता नहीं की जा रही। फिलहाल जो सरकार ने लॉकडाउन पीरियड से जो नवी हदायत जारी की ने टैक्सी गड्डी अद्धिया सवारियां की ने जिद करके सानू बहुत मंदी का दौर देखना पै रहा जी। बसा च ठीक है मानते हैं कि करोना काल से करोना फैलन का खतरा ज़्यादा पर टैक्सी गड्डिया खतरा बहुत घट है। एक असी फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी हाँ। राती किसी जरूरत पै जाए तो सानू याद किया जाता है। प्लस इको परिवार के मैंबर गड्डी सफ़र करते हैं या आपसी जान पछाण वाले या सगे रिश्तेदार ही सफ़र करते हैं। सो टैक्सी गड्डी करोना फैलन का खतरा घट है तो बसा ज़्यादा है। सो इस करके साड़ी गड्डिया लगातार खड़िया ने। कोई सवारी चार सवारियां ने एक परिवार के मैंबर दो गड्डिया नहीं कर सकते। इसलिए बसों को प्रेफरेंस ज़्यादा करते हैं। बसा च करोना का खतरा ज़्यादा है तो टैक्सी गड्डिया घट वा जी। ये जी लॉकडाउन सरकार ने लाया जी ये सानू मुश्किलें ही मुश्किलें ने। दो हज़ार 2019 तो कोविड लाया चलिया उस तो ला के हुण तक 2 साल हो गए ने। असी तो मंग मंग के गुजारा कर रहे हैं। असी सरकार नू ये आने भी लॉकडाउन लाओ अही नहीं डकते भी लॉकडाउन ना लाओ। पर जिहड़ियां सरकार दीआं गाइडलाइनां ने वह गाइडलाइनां च गरीबां दा भी ध्यान रख्या जाए। अही टैक्सी ड्राइवर जो कि हैंड टू माउथ हैं सारे ही अपना कमा के खाते ने साडा भी ध्यान रख्या जाए। पर बदकिस्मती भी आड़ी जी लैन है ना टैक्सी लैन ये ना ही तो मुख्यमंत्री साहब के नज़र से आ ना ही ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब के नज़र से आ तो ना से अं कि गिनती चाहते हैं। जी सू ओकर आ रही ने सरकार ने गाइडलाइन की ही भी पहला किया 50% सवारियाँ बसा भी तो कारा भी आ बसा ताे सामने वेख लो 100% भर भर जा रही ने। बाद में सरकार ने करता छोटी गड्डी दो सवारियाँ तो वड्डी गड्डी च 3 सवारियाँ 4 पहिया वाहन 3 सवारियाँ अही दसो एक परिवार जरा मेन जी सेफ सवारी आ कार जा सकती है। टैक्सी लैन ही एक सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जिहदे विच कि परिवार बह के बिल्कुल आराम नाल जा सकता। जे एक परिवार घर में रह सकता तो टैक्सी में बह के क्यों नहीं जा सकता। बसों में भांत भांत की दुनिया बनती है। बसों में करोना फैलन का ज़्यादा डर आ। टैक्सी में सिर्फ एक परिवार जाना तो परिवार के दो सवारियाँ जे किसी परिवार ने 4 जी जा के अपना काम करना वा वो 2000 च टैक्सी अमृतसर करते हैं वो 4000 दो गड्डिया खड़नगे। अही सरकार को बेनती करते हाँ तुम लॉकडाउन लाओ गाइडलाइन आ दो पर साढ़े जे मसले ने उन्होंने ध्यान रखो। टैक्सी लैन जी फुल सवारियाँ कैपेसिटी करो ता जो अं भी अपने बच्चे पाल सकीए। अही सरकार को कहने भी इन्ना टैक्स अं कितों देना जे 4+1 5 सवारियाँ जड़िया ने वह भी 25,000 टैक्स देवे तो 9 सीटा वाला भी 25,000 टैक्स देवे ये किधर का न्याय वा। अही सरकारों को बेनती करनी चाहते हाँ भी साढ़े जे मसले ने इन्हों ध्यान नाल विचारो। एक सानू माली सहायता जिकों दिल्ली सरकार ने की आ उस तरह ही पंजाब सरकार भी साड़ी माली सहायता करे ता जो अं अपने बच्चे पाल सकीए अपना रुजगार चला सकीए। दूजी मेरी बेनती आ भी सारी गड्डियां लोन ते ने हर एक महीने किस्तां जिहड़ियां ने बैंक वाले आ जांदे ने ते जे काम ही नहीं चले तो किस्तां कित्थों दईए। साडी बेनती है सेंटर सरकार नूं भी ये जिहड़ियां किस्तां ने इन्हां नूं गांह कीता जावे तो आ साल का टैक्स जिहड़ा सानूं पैण डिआ ये टैक्स माफ़ी दित्ती जावे। भारत विच पहली बार शुद्ध जल लंगर सेवा शुरू। प्योर वाटर हैल्थी लाइफ NGO आस्ट्रेलिया वालों भारत के पिंडां विच हर वर्ग नूं पीण वाला शुद्ध पानी मुहैया करवाउण दी मुहिम। पंजाब के जिला शहीद भगत सिंह नगर के पिंड परों बजारा राणुआ तो शुरू।
NRI ते दानी सज्जना नू अपील के आओ देशवासियां नू पीण वाले पानी तो लगण वालियां 80% बीमारियां जिवें टाइफाइड, पेट गैस, पीलिया, जोड़ां दा दर्द, कब्ज, बुखार ते कैंसर तो बचाइए। सलाह ते सहयोग करन लई संपर्क नंबर परमजीत सिंह राणा, पंजाब 7009807083 अते रघुवीर सिंह, आस्ट्रेलिया 0427569463।